धार जिले के पीथमपुर में सोमवार दोपहर विधायक नीना वर्मा ने सभी विभाग के अधिकारी, नगरपालिका, पुलिस विभाग, राजस्व विभाग, फूड विभाग सभी की बैठक ली। विधायक नीना वर्मा ने एसडीएम सत्यनारायण दर्रे को एक अस्थायी जेल बनाने के लिए आदेशित किया। एसडीएम ने तहसीलदार विनोद राठौर को जगह चिन्हित करने का या अस्थायी जेल बनाने के लिए कहा, जो कि धारा 188 लॉकडाउन का उल्लंघन करेगा, उसे अस्थायी जेल में रखने की मांग होगी। मुख्य नगर पालिका अधिकारी गजेंद्र सिंह बघेल ने पीथमपुर में फ्लेक्सी टॉप इंटरनेशनल नर्मदा पॉलीपैक कमर्शियल सीन बैग तिरुपति बालाजी और ऐसी अन्य कई छोटी छोटी कंपनियां और कई फार्मास्यूटिकल कंपनियां नगर पालिका मुख्य अधिकारी ने विधायक नीना वर्मा और एसडीएम को नगर पालिका की ओर से एक पत्र सौंपा, जिसमें उन्होंने मांग की कि दूसरे जिलों से आने वाले श्रमिकों को पीथमपुर में रोक लगाई जाए और जिन कंपनियों को कुमार पुरुषोत्तम ने अनुमति दी है उन कंपनियों के कर्मचारी कंपनी के अंदर ही रहें। पीथमपुर से संजय सोनकरा की रिपोर्ट। बताइए सर, आज को बैठक थी, किस बात को लेकर क्या इसमें सूचनाएँ दी गई? क्योंकि यहाँ पे प्रथम जो समस्या थी राशन को लेकर है, क्योंकि हमारे 21 दिन का लॉकडाउन है, इस दौरान कुछ लोगों को खाद्य सामग्री की समस्या आ रही थी, इसको लेकर एक बैठक। और साथ ही साथ जो इंदौर से फैक्ट्रियों में जो काम करने आ रहे हैं उनके संबंध में हम लोगों ने चर्चा की है और अभी जस्ट कलेक्टर साहब से सीधे जाके उसमें हम बात करेंगे, तो जो भी निर्देश होंगे उसके हिसाब से हम बात करेंगे। जी, कुछ कंपनियों का भी चर्चा हुआ था कि बिल्कुल मेरे कंपनियों के बारे में मुझे जानकारी मिली है और कुछ ऐसी भी शिकायत मिली कि कुछ कंपनियां अनुमति लेकर दूसरे काम कर रहे हैं, उस पर अभी हम प्रारंभिक जांच कर रहे हैं और हमारी टीम के द्वारा उसमें कार्रवाई कर रहे हैं। आज किस उपलक्ष्य में बैठक थी और क्या हिदायत दी गई पीथमपुर में सभी अधिकारियों को? आज हम लोगों ने एक समन्वय में बैठक रखी थी कि नगर पालिका, जो कि हमारे धार का सबसे बड़ा एरिया है, सबसे बड़ा क्षेत्र है, यहाँ पे मजदूर वर्ग काम करते हैं, बाहर से आने वाले काफ़ी लोग यहाँ रहते हैं, तो इन लोगों की समस्याओं के बारे में यहाँ की नगर पालिका किस तरह काम कर रही है और उसमें क्या क्या परेशानी आ रही है, इन सब लोगों को लेकर के एसडीएम और तहसीलदार के साथ और नगर पालिका के समस्त स्टाफ के साथ, अध्यक्ष के साथ बैठ करके हम लोगों ने उन समस्याओं पर चर्चा करके उनके समाधान करने का प्रयास किया और आगामी समय के लिए निर्देश दिए, क्योंकि संभावनाओं के आधार पर ये कह सकते हैं कि लॉकडाउन बढ़ेगा और कुछ मतलब डिस्टेंसिंग के साथ, कुछ रुकावट के साथ, कुछ सुविधाओं के साथ आने वाले समय को कैसे निकालना है उसके लिए। और आपके माध्यम से तो मेरा एक ही निवेदन है कि आप सब लोग, भले ही लॉकडाउन खुल जाता है लेकिन फिर भी सावधानी के तौर पे अपने अपने घरों में रहें, क्योंकि ये वैश्विक महामारी है जिसमें दुनिया के बड़े बड़े देश तबाही की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं। भारत के अंदर माननीय मोदी जी ने जो ये प्रयास किया था 21 दिन के लॉकडाउन का, यही एकमात्र साधन था, एकमात्र तरीका था जिसके अंदर हम इस महामारी से बचने का प्रयास कर सकते थे, क्योंकि इसका अभी कोई इलाज नहीं है। इसलिए अभी यदि लॉकडाउन खुलता है तो और नहीं खुलता है तो केवल एक ही निवेदन है कि सब लोग प्लीज़ प्लीज़ अभी भी घरों में रहें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।